प्रोग्रेसिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग पश्चिम बंगाल में एक जुलूस और ज्ञापन अगला 1 मार्च 2024 को कर रहा हूँ, जिधर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री या बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और हमारा मुख्य स्वास्थ्य सचिव जी नारायण शरण निगम जी के पास हम लोग कई मांग लेके हमारा ज्ञापन देंगे। आप जानते हो सन 1982 से हमारा ये संगठन जिसको नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है, कई प्रदेश में इसको जैसे झोले छाप डॉक्टर ऐसा करके भी कहते हैं। तो हम लोग इस संगठन तैयार करके कई मांग उठाया जी, एक तो इसको पूरा एनलिस्टमेंट होना चाहिए सरकार के इसमें काफी रजिस्टर में, दूसरा इसको एक वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए ट्रेनिंग, तीसरा ट्रेनिंग देने के बाद इसको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए और उसका बाद इसका जो सर्विस है इस सर्विस को हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम स्वास्थ्य परिसेवा ये क्षेत्रों में इसको व्यवहार करना चाहिए, ये मांग लेके हम लोग लड़ रहे थे। और जानते हैं जो प्रोग्रेसिव मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का नेतृत्व में हम लोग ये मांग को विजित हुआ है, हम लोग को फल मिला और 2015 में 6 नवंबर को एक सर्कुलर जारी करके पश्चिम बंगाल के सरकार ये सभी नॉन रजिस्टर्ड ऐसा डॉक्टरों को IHCP इनफॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हिसाब से मान लिया, स्वीकार कर लिया। ये हमारा एक सफलता है, एक सम्मान की बात है नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। और ये भी स्वीकार किया है जो इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग का बाद इसको हेल्थ सर्विस में सरकारी हेल्थ सर्विस में इसको यूटिलाइज भी करा जाएगा, ये भी बात कहे थे। लेकिन आप लोग जानते हैं चुनाव होने के बाद, जब बंगाल का चुनाव का बात मैं कर रहा हूँ, उसका बाद जब 2019 नवंबर दिसंबर से कोविड का सिलसिला जारी हुआ था, उस टाइम जो ट्रेनिंग शुरू कर गया था वो भी बंद हो चुका। और हम लोग ये भी सरकार को दिखा जो जितना एनलिस्टमेंट रजिस्ट्रेशन आप लोग किए हैं इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसा लोग जो हैं जो जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये उसको कुछ खास सरकारी तरफ से नौकरी मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, इसका हिसाब से इसको डाल दिया था बहुत सारे जगह पे, इसको निकाल देने के लिए भी हम लोग कहे हैं। और ये भी हुआ है, मान लीजिए वो 2016 साल से शुरू हुआ था, आज 2024 8-9 साल हो गया, बीत गया है, इसका अंदर कितना सारे ऐसे ही इनफॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइडर तैयार हो गया है बंगाल में, ऐसा पूरा देश में तो हुआ है। तो इन लोग का रजिस्ट्रेशन अभी भी सरकार किया नहीं, ऐसा कि सरकार जिसको रजिस्ट्रेशन किया है, जो नहीं किया है उसका ऊपर तो हो ही रहा है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पुलिस की तरफ से कोई कोई टाइप ड्रग इंस्पेक्टर आके इसको बहुत ही हैरानी कर रहा है, हैरान कर रहा है, आपको ये मेडिसिन दवाई आप रख नहीं सकता है, अब इलाज नहीं लिख सकता है, ये दवाई आप दे नहीं सकता है, ऐसा करके कभी कभी पुलिस क्लिनिक बंद करके उठा भी ले जाता है। जितने जगह पे भी हुआ है बंगाल में हमारा संगठन की तरफ से PIMPI की तरफ से हम लोग लड़ाई लड़े, हम लोग डिपुटेशन ज्ञापन दिए और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पास कि COMH डिस्ट्रिक्ट जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके पास जाके उसको निकाल के लाया और क्लिनिक खुलाया। ऐसा कोई जगह नहीं है बंगाल में जैसे प्रशासन के जुल्म के बाद कि इंस्पेक्टर के ऐसा अत्याचार निकालने के बाद इसको प्रैक्टिस करना संभव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ PIMPI हमारा जो संगठन आप जानते हो, मैं
चीफ एडवाइजर के रूप में काम करता हूँ मैं डॉक्टर तरुण मंडल, और मैं मेडिकल सर्विस सेंटर का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं एक भूतपूर्व सांसद थे जयनगर क्षेत्र बंगाल से, और मैं पार्लियामेंट के अंदर भी ये मांग को लिए चिल्लाया, ये बात मैंने जताया सभी सांसदों के बीच में, जो जो आप लोग 3 साल 3.5 साल का एक संक्षेप कोर्स ब्रीफ मेडिकल कोर्स बना रहा है, इससे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का जो कमी है इसको आप भर नहीं सकते हो। आप इससे द्वारा इससे अलावा जो ऐसा नॉन रजिस्टर्ड जिसको आप झोले छाप करता है कि क्वाक करता है, इसको आप सटीक दिशा में ट्रेनिंग प्राप्त किए, प्रशिक्षण दीजिए, और उसको हमारा जो BMOH होता है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ कि रूरल हॉस्पिटल को जो अधिकारी होता है उसको ताबे में उसका अंदर में लेके उसका सुपरविजन में इसको अगर काम करना दीजिए दे सकता है, और कितना दूर क्या वो काम कर सकता है ऐसा एक कुछ बनाए आप लोग संहिता जैसे वो लोग काम कर सके, तो ग्रामीण क्षेत्रों का परिसेवा बहुत सारे तरीका उन्नत हो सकता है। लेकिन ये ब्रीफ मेडिकल कोर्स बना के कभी नहीं हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है जो ये लोग गांव में रहेगा और गांव का आम जनता के लिए ये इलाज करेंगे। तो ये हम लोग ये रुकाना उस टाइम में संसद में हम लोग कर सका और उसको बंद कर दिया था हम लोग। लेकिन बिना ये पश्चिम बंगाल के सरकार छोड़ के कोई सरकार अभी प्रदेश का कोई प्रदेश का सरकार आगे नहीं बढ़ा, ऐसा कि केंद्र का सरकार भी आगे नहीं बढ़ा जी इसको एक सम्मान दे, इसको एक स्वीकृति दे, रिकॉग्निशन दे, जैसे IHCP और हर प्रदेश में इसको ट्रेनिंग ठीक ठाक से दिया कीजिए, जैसे ये लोग स्वास्थ्य परिसेवा सटीक रूप में दे सकता है। हालांकि आप लोग जानते हो जो 2017 में जो नया थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी बने, उससे पहले जो सर्वे हुआ था 2015 में निकाला था वो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो सर्वे रिपोर्ट्स, उसमें निकल गया था जो 40% 40% लोग हमारा आम जनता को ये लोग विशेष रूप में OPD सर्विस आउटडोर का सर्विस देते हैं। ऐसे कि हमारा जो अभिज्ञता है जो एक्सपीरियंस है 40% नहीं, ये कहीं कहीं 60-70-80% तक गांव जीवन में लोग का इलाज ये लोग देते हैं। अगर इसको हम लोग सटीक रूप में प्रशिक्षण दे सके तो बहुत ही एक अच्छा तरीका से ये लोग इलाज का सहारा दे सकते हैं, इम्यूनाइजेशन का काम कर सकता है, हमारा प्रसूति बच्चों का हेल्थ के लिए जो चर्चा और उसको सुधार ले आ सकता है, और आपदा के समय कि जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, कोई पानी में डूब गया कि जल गया कि कुत्ता काटे कि दूसरा कोई बीमारी फैले, तो उसको इलाज तुरंत ये लोग कर सकते हैं, और BMOH की रूरल हेल्थ सेंटर का चिकित्सा अधिकारी का संपर्क स्थापन करके वो तुरंत इसको पाबंदी लगा सकता है जैसे वो ज़्यादा नहीं फैले। तो दोस्तों ये इतना काम जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों की शहरों क्षेत्रों में भी जो नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स लोग हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, ये एक बहुत ही बड़ा सर्विस हेल्थ सर्विस पब्लिक के लिए दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा देश स्वतंत्रता का बाद लगभग 75-76 साल उतर गए, लेकिन अभी भी हम लोग गाँव तक दूर दूर क्षेत्रों में हम लोग हमारा वैज्ञानिक स्वास्थ्य परिसेवा अभी तक पहुंच ना सके। तो वो उधर का जो लोग रहते हैं जीते हैं, उन लोग का दूसरा कोई चारा नहीं है इन लोग को छोड़ के उनका कोई बीमारी हो कि कोई परेशानी हो जाके इलाज कराना। अगर ये सरकार की कोई भी सरकार एकदम गांव तक दूर दूर तक कोने कोने में हमारा देश का एक प्रशिक्षित चिकित्सक जिसको हम लोग क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर कहते हैं उसको पहुंचा दे सकते थे, और हम उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक हेल्थ सेंटर चाहिए, हमारा मेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए कि एम्बुलेंस चाहिए कि इम्यूनाइजेशन का जितना सारे चीज चाहिए वो अगर हम लोग मौजूद कर सकते थे तो ज़रूर इसका ज़रूरत नहीं होता। लेकिन जितना
ये स्वस्थ लेके व्यापारीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सरकारी क्षेत्र को ध्वंस प्राप्त कर रहा है, तो कम से कम हमारा तो कोई उम्मीद नहीं है कि अगला 30-40-50 साल में देश का अंदर ऐसा कोई बदलाव आ जाएगा जैसे ये हमारा नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं होगा, ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा है। तो सरकार के पास हमारा ये मांग है कि पूरा देश का कोई भी सरकार हो, प्रदेश का सरकार हो, कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उनका जो स्वास्थ्य मंत्री की प्राइम मिनिस्टर उनका पास भी हमारा मांग है ऐसा मेडिकल सर्विस सेंटर के साथ हमारा PMPI जोड़ के ऐसा गैपोन। हम लोग 2007 साल में और 2016 साल में हम लोग दिल्ली जाके भी एक गैपोन दिया था जी, नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पूरा देश में लगभग 75 लाख से 80 लाख होगा, इसको आप लोग प्रशिक्षण दिया करें, वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य कर्मी होकर इसको स्वीकार कर लीजिए, इसको एनलिस्टमेंट कीजिए और हमारा गवर्नमेंटल जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, इसको इसको यूज करे एक डॉक्टर की अंडर में सुपरविशन में, तो हमारा आम जनता के लिए जो 142 करोड़ आबादी का ये देश है इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगला दिन में भी जितना दिन तक आप पूरा इसको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे क्वालिफाइड डॉक्टर्स देके कि हेल्थ सेंटर देके, देश के लिए ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है। इसीलिए हमारा मांग है कि पूरा देश का अंदर जितना सारे इनफॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऐसा रूप में आप लोग हो, आप लोग इकट्ठा हो जाइए, जो प्रोग्रेसिव मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंडिया जैसे संगठन है इसका आप लोग सदस्य हो जाए, मेंबरशिप बनाएं, अपना अपना क्षेत्र में आप लोग संगठन बनाएं, और कम से कम हम लोग वेस्ट बंगाल में इतना दिन लड़ाई करके ताकत दिखा के जो हम लोग ये स्वीकृति रिकॉग्निशन हम लोग आदाय करने में कामयाबी हुआ, जैसे ICP करके इसको स्वीकार कर लिया, ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर रहा है, भले वो इरेगुलर हो फिर भी कर रहा है, तो ये सभी प्रदेश में संभव हो और सभी प्रदेश हम लोग इकट्ठा होकर अगर यूनियन गवर्नमेंट का ऊपर भी हम लोग दबाव डाल सकता है तो हम लोग फ्यूचर में ये भी कामयाबी होंगे इसको स्वीकार करके, सभी को एक साइंटिफिक हेल्थ वर्कर करके स्वीकार करने के लिए हम लोग देश का सरकार को मजबूर कर सकते हैं। तो अगला यही हिस्से लेके अगला 1 मार्च को हम लोग पश्चिम बंगाल में नवान्न जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, नया सेक्रेटेरिएट और स्वास्थ्य भवन जिधर हमारा चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी बैठते हैं और मिशन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ बैठते हैं, उनके पास हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहा है। कई हजारों थाउजेंड्स ऑफ ऐसाई विलेज और शहर से डॉक्टर्स लोग आएंगे नॉन रजिस्टर्ड, इसको सफल करने के लिए मैं द्वारा सबको पास अपील करता हूँ, आप लोग बड़ी संख्या से इधर शामिल हो जाए और सरकार को हमारा जो मांग है, जो हमारा न्याय है, जस्टिफाइड मांग है, इसको पूर्ण करने के लिए सरकार को आप मजबूर करें, यही अपील करके मेरा बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।